नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में हम आपकी करंट फीलिंग चेक करेंगे, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे उनकी तरफ से क्या एक्शन रह सकता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही आपके लिए होगी, जितना नहीं करता है वो किसी और के लिए है। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। द फूल के कार्ड ये जीरो से शुरू करना चाहते हैं, जो हो गया सो हो गया, दोबारा से लाइफ को एक नए नज़रिए से देखना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, एक अनजान मिशन पर चलना चाहते हैं। मतलब जिस तरीके से पहले चला था बंदा या चली थी उस तरीके से खुद की लाइफ को नहीं चलाएगा, एक नया सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे फुल के कार्ड क्यों आए हैं। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड, किंग ऑफ वंड्स के कार्ड, कहीं आप लोगों में लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है। तो ये बंदा या बंदी जो भी है ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, हालांकि ये पर्सन अपने बारे में सोचना चाहते हैं, खुद के लिए रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। जैसे कि कार्ड भी आया था फुल के कार्ड, ये अपने लाइफ को नई तरीके से शुरू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं किस तरीके से लाइफ को जिया जाए, पहले जैसे जीती थी, पहले जैसे चलती थी उस तरीके से नहीं, एक अलग तरीके से ये लाइफ को जीना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, आपके साथ पुराने दिन को वापस पाना चाहते हैं, नॉस्टैल्जिक होना चाहते हैं। रिकॉन्सिलेशन हमेशा मैं ये नहीं कहूँगी कि रिकॉन्सिलेशन कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो रिकॉन्सिलेशन, अगर लड़ाई झगड़ा है तो रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, अगर नहीं है तो ये नॉस्टैल्जिक होना चाहते हैं। मैं ये कहूँगी कि ये पुराने दिन वापस पाना चाहते हैं, जैसे कि आप पुराने दिन में रिश्ते में थे, प्यार मोहब्बत करते थे एक दूसरे के, जैसे नए नए प्यार होते हैं ना, फूल वूल ला के देना, वो गिफ्ट देना, ये सारी चीज़ें वो याद करके ये वक्त गुजरना चाहते हैं। और अपने बारे में तो सोचना चाहता ही है बंदा या बंदी, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि बंदा या बंदी जो भी हैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है, ये इंटीमेट भी होना चाहते हैं आपके साथ। इन 72 घंटे में उनका जो एनर्जी रहेगी ना, कुछ इंटीमेसी की एनर्जी भी उनमें रहेगी। हो सकता है ये पर्सन थोड़ा आप लोगों का रिश्ता, जिनका भी एनर्जी आ रहा है पता नहीं, एरीज आपके पर्सन मुझे लगता है ये आता जाता रहता है, कोई रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं है आप लोगों की, मतलब ये एक स्टेबल रिश्ता नहीं है। ये पर्सन आता जाता रहता है लेकिन आपके दिल के बहुत करीब है। जो भी है बंदा या बंदी जो भी करता है या करती है, इससे आप मोह में चले आते हो और आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो इनके लिए। तो ये बंदा या बंदी जो भी है कितना भी सेल्फिश हो, ये थोड़ा सेल्फिश बंदा लग रहा है मुझे, लेकिन ये कहीं दिल से हो, दिमाग से हो, अट्रैक्शन से हो, ये भी आपसे जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि ये ज़रूरत के रिश्ते निभाते हैं, लेकिन क्या है ना, ये थोड़ा अनस्टेबल है बंदा। ये जब भी आप मुझे लगता है अगर आप इनसे कमिटमेंट के बारे में बोलोगे तो ये थोड़ा बात को घुमा सकते हैं। मतलब कमिटमेंट देने वाला बंदा तो मुझे नहीं लग रहा है, आगे आप जानो। अभी हम देखेंगे एरीज आपकी करंट फीलिंग्स क्या रहेगा। ये आपसे मिलने आ रहा है बंदा, टेम्परेंस, आप किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस स्कॉर्पियो हो सकता है। आप अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, पेशेंस रखना चाहते हो, धीरे धीरे हर चीज़ को करना चाहते हो, हर काम में एक पेशेंस रख के आगे बढ़ना चाहते हो, खास करके अपने गुस्से को आप कंट्रोल करना चाहते हो। ऐसा तो नहीं है कि ये मिलने नहीं आ रहा है इसलिए आप गुस्से में हो
तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करके पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। देखते हैं टेम्परेंस के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें तो क्या आएगा, देख लेते हैं कि टेम्परेंस के कार्ड क्यों आए हैं। टावर के कार्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, बाप रे बाप, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड। अचानक से ऐसा कुछ हुआ आप लोगों की लाइफ में कि कुछ सीक्रेट बाहर आ गया एरीज। उस सीक्रेट बाहर आने के बाद आपके लाइफ में या फिर आपके पर्सन के लाइफ में, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, तो उथल पुथल मच गया। मतलब जिसके बारे में आपने सोचा ना था, एक्सपेक्टेड कोई घटनाएं नहीं घटी, अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा कुछ हुआ जिससे आपका कोई सीक्रेट बाहर आ गया। इससे आप थोड़ी परेशान हो गए हो, थोड़ा गुस्सा हो गए हो, थोड़ा तिलमिला गए हो, और आप अपने नेचर को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे। इन 72 घंटे में आप किसी स्टेबल रिश्ते के बारे में भी सोच रहे हो। आप चाहते हो कोई आपकी तरह प्यार लेके आए, प्यार का रिश्ता है, क्योंकि जो बंदा या बंदी है ये जो है ये कोई स्टेबल रिश्ता नहीं रख रहा है आपके साथ, तो हो सकता है आपको इनके ही सीक्रेट पता चल गया है। तो इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखने की कोशिश करोगे इन 72 घंटे में, और आप एक स्टेबल इमोशनली जो स्टेबल रिश्ता है उसको आप मैनिफेस्ट करोगे इन 72 घंटे में। आप कितना भी गुस्सा हो गए हो, लेकिन हो जाओगे, लेकिन आप को बैलेंस रखने की कोशिश करोगे। अभी हम देखेंगे इनका एक्शन क्या हो सकता है। किंग ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये इन 72 घंटे में इनकी मन में बहुत कुछ आएगा, लेकिन ये इसको कंट्रोल करके आपके पास आने के बारे में सोचेगा। ये जैसे कि मिलने आना है, लेकिन ये इंतज़ार करेगा। कुछ फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इनको थोड़ा रुकना पड़ेगा। हो सकता है पैसे से रिलेटेड कोई बात है जो उनको ज़्यादा ज़रूरी लगता है इस रिश्ते से, तो ये मिलने आने के बारे में तो सोचेंगे, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करेगा ये बंदा। कब तक? जब तक उनको वो पैसे के बारे में कोई गुड न्यूज़ ना मिल जाए, तब तक ये बंदा या बंदी जो है अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखेंगे। हो सकता है इन 72 घंटे में ना भी आ पाए, लेकिन ये आएगा ज़रूर, क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये जो बंदा या बंदी है, मैंने पहले ही कहा, लोगों किसी को वक्त दे देना, किसी से थोड़ा वक्त ले लेना, थोड़ी हल्की फुल्की फ्लर्टिंग वाला एनर्जी का बंदा या बंदी है, तो ये आएगा, ये आपसे मिलने आएगा। तब तक ये खुद को कंट्रोल करके रखेंगे, जब तक इनका खुद का काम ना बन जाए। जब इनका खुद का काम बन जाएगा, तब ये मिलने चले आएंगे आपके पास, और कुछ स्टेबिलिटी भरी बातें तो करेंगे। लेकिन माफ़ कीजिएगा, किसका एनर्जी है पता नहीं है, बंदा बहुत स्टेबिलिटी आपको नहीं दे पाएगा। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये बंदा स्टेबल बंदा तो लग नहीं रहा है, बंदा या बंदी जो भी है। ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा। जब भी आप स्टेबिलिटी के बारे में बात करोगे, मुझे नहीं लगता कि ये आपको कोई कमिटमेंट दे सकता है। ये कमिटमेंट वाला इंसान नहीं है। मुझे लगता है कोई जो है ये, जैसा कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, देखो यूनिवर्स जी आपसे क्या कह रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि आपको अपने कंट्रोल इशू को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके सोल कनेक्शन है, लेकिन ये उसी तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो फिलहाल के लिए आपको इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। जब आपको लगेगा कि आपको ये इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रहा है, आप जो चाहते हो वो मिल रहा है, तभी आप इस रिश्ते में दोबारा से आ सकते हो। एक लस है इस रिश्ते में, एक अट्रैक्शन है। प्यार कितना है पता नहीं, कौन
किससे प्यार करता है इसका भी पता नहीं, क्योंकि ये जो रिश्ता है इस रिश्ते में गॉड की ब्लेसिंग्स है, आप लोगों में प्यार है, एट्रैक्शन है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कोई एक है जो एब्सेंट है इस रिश्ते से, जो एक है जो प्यार देना, बहुत प्यार देना चाहते हैं, और एक है जो प्यार लेना तो चाहते हैं लेकिन सिक्योरिटी नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि जो आप सोच रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, पैसे की कोई परेशानी है, तो फिलहाल के लिए आप रुक जाओ और थोड़ी देर के लिए मूव ऑन करो। जब आपको लगे कि सब कुछ सही है तब आप रिश्ते में वापस आ सकते हो, अगर आपको सही लगे तभी रिश्ते में आना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।